जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन नहीं है, जजमानी व्यवस्था की देन है। सर कोई काट दे पढ़ाना छोड़ दे सर, यह बात एक आदमी को समझ में आई सर, वी ए स्मिथ को, विंसेंट आर्थर स्मिथ, शैतान है सर वो आदमी। उसने एक किताब लिखी 1904 में, मंगाइएगा सर, यही किताब भारत के आज की जितनी परेशानी है उसकी जड़ यह किताब है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। उसने सारी कहानियों को ऐसा लिखा है सर, क्योंकि 1857 के बाद भारत को क्राउन के हाथ में ताकत आ गई। क्राउन ने कहा यार अब क्या करें, पहले तो सारा दोष कंपनी पर मर देते थे, ये जब भारतीय मेरे पास आते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय लंदन गए कि साहब हम बहुत परेशान है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे देश तो कंपनी चला रही है। लेकिन 1958 के बाद देश तो क्राउन के हाथ में आ गया, अब क्या करेंगे, अब लोग शिक्षा मांगेंगे, एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांगेंगे, तो तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए इस देश को समझना पड़ेगा, सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट एक सीरीज आई 50 वॉल्यूम में, और उस सीरीज में ऐसी ऐसी बातें कि भारत के लोग के पास इतिहास लिखने का सेंस नहीं है, मतलब ये जो लिखेंगे वो सब गलत है, हम जो लिख रहे हैं वो सही है, ये तो आध्यात्मिक चिंतन ही करते रहते हैं, दुनियावी चीज इन्हें पता ही नहीं, कास्ट सिस्टम ब्राह्मणों का चलाया हुआ दुष्चक्र है, ब्राह्मणों का, चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण है, कबीर रविदास रामानंद के शिष्य है ब्राह्मण है, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन नहीं है, जजमानी व्यवस्था की देन है। सर कोई काट दे पढ़ाना छोड़ दे सर, सामंतवाद की देन है, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है सर। जाति व्यवस्था, हां जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव ब्राह्मणों ने माना है, यह मैं स्वीकार करता हूं, यह उन्होंने गलती की है, लेकिन सबने फिर भी नहीं की। अंबेडकर के गुरु को देखिए आप, एक पुरोहित तबका है, पुरोहित, उसने ऐसा किया है,